लेकिन राजस्थान में जब से कांग्रेस सरकार आई है इन्होंने क्या किया, चार साल से पूरी कांग्रेस पार्टी और सरकार बस आपस में लड़ रही है, हर कोई एक दूसरे की टांग खींच रहा है, अपने अपने गुट को मजबूत बनाने के लिए खुलेआम सौदेबाजी हो रही है, एक खेमे के विधायकों को ट्रांसफर पोस्टिंग और लूट की खुली छूट मिली हुई है ताकि वो दूसरे गुट में भाग न जाए। ये लड़ाई केवल खेमों तक ही नहीं है, सारे मंत्री भी आपस में लड़ रहे हैं कि इस विभाग में लूट का काम मुझे मिले, वो मुझे लूटने दिया जाए, इस विभाग का काम उस विभाग को क्यों दिया गया, इस मंत्री कमीशन उस मंत्री के पास कैसे चला गया। पूरी राजस्थान सरकार इसी खींचतान में लगी पड़ी है और इस पर पूरी खींचतान के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने बेटे का भविष्य बचाने में जुटे हुए हैं। उन्हें राजस्थान के बेटे बेटियों की कोई चिंता नहीं है, इस वजह से भी कई मंत्री विधायक उनसे खार खाए हुए हैं। आप मुझे बताइए साथियों, क्या ऐसे लोग राजस्थान का भला कर सकते हैं, राजस्थान के युवकों का भला कर सकते हैं, राजस्थान के गांवों का भला कर सकते हैं, राजस्थान के किसानों का भला कर सकते हैं? इन लोगों से राजस्थान के विकास की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है भाइयों। इन लोगों को मैं आज दो टूक कह देना चाहता हूं, अब ये भ्रष्टाचार की नुरा कुश्ती बहुत हुई, अब लोकतंत्र के अखाड़े में जनता जनार्दन फैसला करेगी, अब राजस्थान को स्थिर सरकार चाहिए, अब राजस्थान को डबल इंजन की सरकार चाहिए, अब राजस्थान को परिवारवाद नहीं, अब राजस्थान को विकासवाद चाहिए। साथियों, राजस्थान में जब से कांग्रेस आई है इसने एक और पहचान बनाई है, भ्रष्टाचार, अपराध और तुष्टिकरण। हालत यह है कि जब भ्रष्टाचार की रैंकिंग होती है तो राजस्थान उसमें नंबर वन आता है, नंबर एक आता है। जो राजस्थान अपनी शांति और सौहार्द के लिए जाना जाता था, वहां आज आए दिन सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं हो रही हैं। पूरी कांग्रेस सरकार तुष्टिकरण में लगी हुई है।